हिट हाइट कोर्स कद को बढ़ाना अब बहुत ही आसान। अब छोटे कद वाले दिल छोटा ना करें। बहुत आसान फार्मूला ऐसे लोगों के लिए जो छोटी हाइट की वजह से परेशान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, लंबे कद की ख्वाहिश हर मर्द और औरत को होती है क्योंकि हाइट ही पर्सनैलिटी में अहम किरदार अदा करती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी हाइट एवरेज से कम रह जाती है, जिसकी वजह से इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। हाइट ज़्यादातर ग्रोइंग एज के साथ ही बढ़ती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में हाइट ना बढ़ने की वजह जिस्म में न्यूट्रिशन की कमी होती है। लेकिन कुछ लोगों में वरासती खसूसियात भी कद बढ़ने में रुकावट का बाइस बनती हैं। बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन मौजूद होता है जो कि हाइट को कंट्रोल करता है। ये हार्मोन बॉडी के ग्लैंड से खारिज होता है। ये हड्डियों को लंबा बनाने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा अच्छी खुराक ना खाना हाइट ना बढ़ने की बुनियादी वजूहात में से एक है। खवातीन में पीरियड स्टार्ट होने से पहले हाइट तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन जैसे ही पीरियड साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं तो इससे इनकी हाइट बढ़ने का अमल सुस्त हो जाता है या रुक जाता है। हाइट को ग्रोइंग एज के बाद भी बढ़ाना मुमकिन है क्योंकि हर इंसान की बॉडी की डेवलपमेंट अलग होती है। 90% लोगों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम और विटामिन्स की कमी की वजह से हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। इसके अलावा ऐसे लोग जो ज़्यादा देर तक बैठकर काम करते हैं, इससे भी इनकी बॉडी का पोस्चर तब्दील होने लगता है और हड्डियाँ भी इस पोजिशन को अपनाना शुरू कर देती हैं, जिससे हाइट कम दिखाई देने लगती है। बहुत सारे लोगों में ये बात आम है कि 18 साल के बाद इनका कद बढ़ना रुक जाता है, हाइट ग्रोथ नहीं होती। इसके लिए लोग हर तरह के जतन भी करते हैं लेकिन कोई खास नतीजा हासिल नहीं होता। लोग छोटी हाइट के ताने सुनकर ऐसे कंपनी में मुबतला हो जाते हैं, वो भी खुद को छोटा देखना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग जो इस परेशानी में मुबतला हैं, इनके लिए दवाखाना और तासीर हर्बा फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के शोबा रिसर्च ने जदीद रिसर्च के बाद एक कोर्स मुतारिफ करवाया जो नहायत कीमती और खालिज जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है। इसके किसी भी किस्म के कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये कोर्स मुजर असरात से पाक है। इस कीमती फार्मूले का नाम फिट हाइट कोर्स रखा गया है। फिट हाइट कोर्स से अब आप अपना कद अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं। जिन अवामिल की वजह से कद बढ़ना रुक गया हो, अगर इन अज्जा को इस्तेमाल किया जाए तो कद बढ़ना शुरू हो जाता है। फिट हाइट कोर्स में ऐसे नेचुरल अज्जा शामिल किए गए हैं जो जिस्म में तेज़ी से जज्ब होकर ग्रोथ को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। सिर्फ चंद ही महीनों में आप अपने कद में नुमाया फ़र्क महसूस करेंगे क्योंकि फिट हाइट कोर्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम की कमी को दूर करके हड्डियों को लंबा होने में मदद देता है। इस कोर्स को आप उस वक्त तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक आपका कद आपकी मर्जी के मुताबिक ना हो जाए। नाज़रीन, इसके बाद मैं कुछ एहतियाती तदाबीर का जिक्र करती हूँ। ख़ासतौर पर आप अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। मतवाजन गज़ा खाएँ, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स और बेकरी की अशिया से जिस हद तक हो सके दूर रहें। इनको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। खाने में ताज़ा सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करें। मग़ज़ियात और गोश्त का भी हसब ज़रूरत इस्तेमाल करें। दूध रोज़ाना पिएं और फ्रेश फलों का जूस या मिल्क शेक इस्तेमाल करें। दही और पनीर का भी इस्तेमाल करें क्योंकि ये ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत अहम है। इसके बाद ऐसी एक्टिविटी का मामूल बनाएं जिसमें जंपिंग हो या किसी चीज़ के साथ लटकना पड़े, और वॉक को अपना मामूल बनाएं। हर रोज़ 2 से 3 किलोमीटर तक वॉक ज़रूर करें। उम्मीद है हमारे नाज़रीन को आज के प्रोग्राम पसंद आया होगा और बहुत सी मालूमात हासिल हुई होगी। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।